बल्लभगढ़ के गांव जूनहेड़ा में एक हादसा पेश आया है जिस हादसे ने दो लोगों की जान ले ली। बता दें कि बल्लभगढ़ के गांव जूनहेड़ा में शादी के दौरान लाइट वाली छतरी लेकर चल रहे दो लोगों की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय बारातियों में भगदड़ मच गई और नाचते गाते जा रहे लोगों की खुशियां मातम में बदल गई। वहीं इस बारात की छत से वीडियो बना रहे एक शख्स के मोबाइल में ये हादसा कैद हो गया। बता दें कि जूनहेड़ा गांव में घुड़चढ़ी के दौरान ये हादसा पेश आया जब इस शादी में पांच लोग लाइट वाली छतरी लेकर चल रहे थे कि छतरी अचानक गली में लगे ट्रांसफार्मर की तारों से टकरा गई और मौके पर एक साथ सभी को जोर से करंट लगा और हादसे में देखते ही देखते दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन लोग करंट लगने से बेहोश हो गए। जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भिजवा दिया है। इस हादसे के बाद विलाप कर रही ये परिजन उन दो लोगों के हैं जिनकी शादी के दौरान करंट लगने से मौके पर मौत हो गई। वही मामले में प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे में दो लोगों की करंट लगने से मौत हो गई है। हम पांच छत्तर थी हमारी तो करंट लग गया था, एक छत्तर में सब में करंट फैल गया था। अच्छा हाँ, तो ये पीछे थे, इनके करंट ज्यादा लग गया तो खत्म हो गया, हम दो लोग भी बच गए। हम तो कितने लोगों की मौत हुई करंट लगने से? दो लोगों की। कौन कौन है? अकबर अतरू। अच्छा, हुआ क्या था, कैसे लगा करंट, क्या हुआ था? वो बड़ा चढ़ रही थी तो वहाँ बिजली का एक ट्रांसफार्मर था उसमें छत्तर टच हो गई थी। अच्छा, तो क्या नाम बताए थे जो लोग हैं? अतरू, अकबर। अकबर कहाँ से कहाँ बरात आई थी? कहाँ से? काजीपुर से बरात आई थी। हाँ। और ये जुनेड़ा जा रही थी सर। जुनेड़ा। तो रहने वाले कहाँ के हैं जो दोनों मरे हैं? यूपी उत्तर प्रदेश के। हाल फिलहाल कहाँ रह रहे थे? सोना रह रहे थे, मजदूरी करते सर, हम मजदूरी पे आए हम तो सर। अच्छा, बैंड पे आए थे मजदूरी पे। हाँ, पांच सौ। ये कोई पहला मामला नहीं है जब लोग इस तरह से मौत का शिकार हुए हों। इससे पहले भी इस तरह के आयोजनों के दौरान लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी लोग उससे सबक नहीं लेते बल्कि ऐसी लापरवाही करते हैं। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है लेकिन ऐसे आयोजन करने वाले लोगों से हमारी अपील यही रहेगी, इस तरह के आयोजन के दौरान होने वाली लापरवाहियों का ध्यान रखें ताकि लोग इस तरह से जान न गंवाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।